क्या है खालिस्तान और क्यों टाइम टू टाइम खालिस्तान का डिमांड उठता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खालिस्तान के बारे में और बात करेंगे कैसे कनाडा और इंडिया का जो रिलेशन है खराब हो चुका है खालिस्तान की वजह से। आज हम इस पे भी बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा खालिस्तान क्या है। आज हम खालिस्तान के बारे में बात करेंगे। आप लोग भी न्यूज़ में बहुत दिनों से सुन रहे होंगे खालिस्तान खालिस्तान, और इस साल के स्टार्टिंग में ही खालिस्तान का बहुत ही ज़्यादा जिक्र हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। खालिस्तान एक सिंपल लैंग्वेज में समझे, एक अलग देश का मांग करते हैं सिख लोग, उसको वो नाम देना चाहते हैं खालिस्तान। कैसे हम इस वीडियो में बोले हैं स्टार्टिंग में ही कि टाइम टू टाइम खालिस्तान का डिमांड होता है, और पहले भी डिमांड हो चुका था, और 1984 में इसी वजह से एक ऑपरेशन हुआ जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसमें एक व्यक्ति थे, उनका आप नाम याद रखिएगा, जनरल सिंह भिंडरांवाले। वो क्या किए, एक अपना प्राइवेट आर्मी बना के, और वो बहुत वेपन और को जमा करके गोल्डन टेंपल के अमृतसर में वो जो तख्त है उस पर वो कब्जा कर लिए थे, और सरकार को वो चैलेंज कर रहे थे यही खालिस्तान बनाने का। उनका भी डिमांड था और उनका भी मांग था खालिस्तान हमें चाहिए, और इंदिरा गांधी को वो चैलेंज कर रहे थे। इसी की वजह से जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, एक हफ्ता चला यही था, और इसमें कि बहुत ज़्यादा ही क्षति पहुँच गया अपने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जो है तख्त है जो सिख गुरु का उस पर। रिजल्ट में जो अपना इंदिरा गांधी थे उनको शूट कर दिया गया, उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा अठारह गोली मारा गया था इंदिरा गांधी को। और इसी के बाद जो दिल्ली में दंगा भड़का था, सिख लोग को मारा पीटा गया था, और पंजाब में हिंदू लोग को मारा पीटा गया था, यही खालिस्तान उसका समझिए जड़ है। और कैसे एक फिर से कनाडा और जो इंडिया के बीच रिलेशन है वो खराब हो रहा है, और इसका भी वजह खालिस्तान है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरदीप सिंह निंजर, उसका हत्या कर दिया गया, और कनाडा के प्रधानमंत्री जो अपने पार्लियामेंट में हैं वो बयान देते हैं कि इसका हत्या इंडिया के एजेंटों के द्वारा किया गया है, और एक कनेडियन नागरिक का हत्या किया गया है, इस पे सरकार एक्शन लेगी, और सरकार भारत से अपेक्षा रखती है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करके इस केस को सॉल्व करने में मदद करेगी। और इसके बाद जितने डिप्लोमेटिक्स थे भारत और कनाडा के, दोनों को वापस कर दिया गया है, एक दूसरे की कंट्री को डिप्लोमेट्स को वापस कर दिया गया है, और फिलहाल वीजा भी कैंसिल कर दिया गया है कनाडा का भारत में, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो सरकार चल रहा है उसमें एक सिख जो कि वहाँ पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं उसका मदद लिया जा रहा है, और वो सिख जो कि 2% कनाडा में है उनके खुश करने के लिए सब बोल रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। इनके फादर साहब भी ये खालिस्तान सपोर्टर थे जस्टिन ट्रूडो के। और एक किस्सा है, एक बात है, जस्टिन ट्रूडो के जो फादर थे वो भी सपोर्टर थे खालिस्तान के, और वो भी वोट बैंक के लिए खालिस्तान को और सिख लाते थे। एक आतंकवादी था जिसका नाम था तलविंदर परमार, जो कि हमारे देश के पुलिस ऑफिसर को मार के भाग गया था कनाडा, और ये एक बाद में जाके बहुत बड़ी घटना को भी अंजाम दिया, एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक करके उसमें उड़ा दिया गया था, जिसमें कि 329 पैसेंजर की मौत हुई थी। और इसके बाद फिर इंडिया गवर्नमेंट ने तलविंदर परमार को वापस मांगने और का काम किया था, जिसमें मना कर दिया गया था इनके पिता के द्वारा, जस्टिन ट्रूडो के पिता के द्वारा। और जैसे कि
जस्टिन ट्रूडो के पिता ने मना कर दिया था और इसके बाद से इंडिया के पंजाब में घुस रहा था, वहाँ इनका इनको इसका इनकाउंटर कर दिया गया था 1992 को और इनका डेथ हुआ था। और हमने बोला कि स्टार्टिंग में वीडियो की टाइम टू टाइम डिमांड उठता है खालिस्तान का, जैसे कि आप सभी को पता होगा अमृतपाल सिंह इस साल के स्टार्टिंग में एक बहुत वायरल न्यूज बना रहा था, जो कि अपना साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन से उसे छुड़ा के ले आया था, आप लोगों ने ये भी देखा होगा। और इसी प्रकार से टाइम टू टाइम खालिस्तान का डिमांड होता है, खालिस्तान का डिमांड होता है। आप लोगों का क्या विचार है इस पर आप जरूर जरूर कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।